जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राधिका मर्चेंट के बारे में, जिनकी अभी हाल ही में एंगेजमेंट मुकेश अंबानी जी के बेटे अनंत अंबानी से हुई है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राधिका मर्चेंट की लाइफस्टाइल, बायोग्राफी और फैमिली के बारे में, और साथ ही में आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे राधिका मर्चेंट अनंत अंबानी से कैसे मिली और इनकी शादी का सिलसिला अनंत के साथ कैसे आगे बढ़ा। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, राधिका मर्चेंट का पूरा नाम राधिका बीरेन मर्चेंट है। राधिका मर्चेंट प्रोफेशन से एक बिजनेस वूमेन और एक क्लासिकल डांसर हैं। ये नेशनलिटी से एक इंडियन हिंदू फैमिली से हैं। राधिका मर्चेंट का जन्म 19 दिसंबर 1994 को गुजरात के कच्छ शहर में हुआ था। जब ये छोटी थी तभी इनकी फैमिली महाराष्ट्र के मुंबई में शिफ्ट हो गई थी और इस समय राधिका मर्चेंट की उम्र 29 साल है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे राधिका मर्चेंट कौन है, तो आपको बता दें बहुत ही जल्द राधिका मर्चेंट अंबानी परिवार की बहू बनने वाली है। राधिका मर्चेंट मुकेश अंबानी की सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की होने वाली पत्नी हैं। राधिका मर्चेंट के फादर का नाम बीरेन मर्चेंट है, जो एनकोर हेल्थकेयर कंपनी के सीईओ हैं। राधिका की मदर का नाम शैला मर्चेंट है, जो एक बिजनेस वूमेन है, और इनकी सिस्टर का नाम अंजलि मर्चेंट है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनका कोई भी रियल ब्रदर नहीं है। अगर राधिका के स्कूल और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपको बता दें, राधिका ने अपनी स्कूल की पढ़ाई कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल मुंबई और एनकोल मोंडियल वर्ल्ड स्कूल मुंबई से की है। अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई करने के बाद ये अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए न्यूयॉर्क चली गई थी। न्यूयॉर्क में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ये वापस मुंबई आ गई थी। रिपोर्टर बताते हैं कि राधिका ने भारत आते ही एक लीडिंग रियल एस्टेट फर्म में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करना शुरू कर दिया और ये एनकोर हेल्थकेयर कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिस्ट में भी शामिल थी। इस समय अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की बहुत ही जल्द शादी होने वाली है। बताया जाता है कि राधिका और अनंत अंबानी बचपन से ही दोस्त हैं। राधिका को किताबें पढ़ना, ट्रैकिंग और स्विमिंग बहुत पसंद है और साथ ही में ये एनिमल लवर भी हैं, जो एनिमल वेलफेयर के लिए भी काम करती हैं। राधिका कई साल से अंबानी परिवार के हर फंक्शन में नजर आ रही हैं। 2018 में ईशा और आकाश अंबानी की सगाई के दौरान भी राधिका बहुत ही एक्टिव थी। इन्होंने ईशा अंबानी की रिंग सेरेमनी पर पद्मावत के घूमर सॉन्ग पर परफॉर्म किया था। कहा जाता है राधिका की ईशा अंबानी और नीता अंबानी दोनों से ही बहुत अच्छे रिलेशन थे और साथ ही में राधिका के मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के साथ इंटरनेट पर कई तस्वीरें मौजूद हैं। 2018 में ईशा अंबानी की शादी के बाद जब राधिका की अनंत अंबानी के साथ इंटरनेट पर फोटोज वायरल हुई, तभी से मीडिया का टेंशन इनकी ओर चला गया। दोस्तों, आप लोग ये तो जान ही गए होंगे राधिका मर्चेंट कौन है, और अब हम बात करेंगे राधिका मर्चेंट की नेटवर्थ क्या है। तो आपको बता दें, एक रिपोर्ट के अनुसार राधिका मर्चेंट की नेटवर्थ 10 करोड़ रुपए है, और अगर इनके फादर की नेटवर्थ की बात की जाए तो वो तो करोड़ों के मालिक है। इनके फादर बीरेन मर्चेंट की नेटवर्थ 755 करोड़ है और ये मुकेश अंबानी के एक अच्छे दोस्त भी है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।